चोर मचाए शोर। हेमंत जी, ऊर्जा सिंघल जी की गिरफ्तारी हुई है, क्या कहना चाहेंगे और आगे सरकार क्या कर रही है? जो खबरों से बातें आई हैं तो कार्रवाई निश्चित है और इस विषय पर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो सरकार की। सर, राज्य सरकार भी कोई पैरेलल जांच गठित करेगी क्योंकि 2017 का मामला सामने आया है। एलिगेशंस बीजेपी बहुत स्पेसिफिक लगा रही है सर, आपसे भी लिंक करें, आपके सरकार से लिंक करें। ये मतलब चोर मचाए शोर। अब तो भारतीय जनता पार्टी को ये बोलना चाहिए कि 20 सालों तक जितने भी साल भारतीय जनता पार्टी ने सरकार चलाया उसकी पूरी जांच होगी। अच्छा सर, क्लीन चिट दिया गया था 2017 को, पैरेलल जांच राज्य सरकार करेगी, उन सब चीजों को देखा जाएगा और इसमें जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। बट चोर सर, इस बार आपके घर से कैसे निकल गया? आप बोले चोर मचाए शोर, लेकिन इस बार जो गिरफ्तारी आपके टाइम पीरियड में हुई? अरे यार, गिरफ्तारी ये क्लीन चिट किसके टाइम पर मिली है? किसके टाइम पे मिली है? किसके टाइम में मिली सर? लेकिन ईडी ने तो उसको बोला कि गलत है, ईडी अब जांच कर रही है। हाँ तो अब भाई, आप गलत करवाते हो, आप क्लीन चिट देते हो, आप गलत काम कराते हो। हमारे समय में हुआ होता तब बात कही जाती और वो भी इनको समझ तब आता है जब उनकी कुर्सी चली गई। जब तक कुर्सी में थे तब तक तो इनको कुछ नहीं दिखा था। अब इनको एन केन प्रकार, अब ये अपने गड़े मुर्दे उखाड़ने पे लगे हैं। अच्छी बात है, अगर ये बात पहले की हो जाती तो शायद राज का ये दुर्दशा नहीं होता। हेमंत सर, बट उनके कार्यकाल में आपके परिवार वालों की जो टेंडर की बात है जिसको लेके बीजेपी ने बहुत हो हल्ला कर रखा। अरे भाई, बीजेपी हो हल्ला, वो तो हल्ला पार्टी है और क्या। फोन टेपिंग का आरोप लगा रहे हैं कि फोन टेपिंग करा रही है सरकार। अरे भाई, ये सब काम उन लोग का है, हमें ये सब काम नहीं आता है। ये सब काम भारतीय जनता पार्टी को बखूबी आता है, झूठ बोलना। अब तो इनको ये स्थिति आ गई है कि इनको अपने ही सरकार के कार्यकाल पर सवाल उठाने चाहिए और इनको अपना आयना देखना चाहिए। बट सर, आपकी सरकार और जो हमारी सरकार का विगत 2.5 वर्षों का जो कार्यकाल है आपने देखा होगा, कोरोना मैनेजमेंट से लेकर राज्य के रिसोर्सेस को बढ़ावा बढ़ाने से लेकर राज्य में चाहे एजुकेशन हो, चाहे ग्रामीण विकास से संबंधित हो, रोजगार से, 20 सालों में इन लोगों ने कितने जेपीएससी के एग्जाम कंडक्ट कराने में सफलता पाई बताओ। आज इस सरकार ने 7 से लेकर 10वीं जेपीएससी परीक्षा को सफलतापूर्वक कंडक्ट कराया। मुझे लगता है शायद मैं सही हूं कि गलत हूं, शायद उसका इंटरव्यू चल रहा है। सर, एक बार बताइए, आपने जो इलेक्शन कमीशन से जो टाइम पीरियड मांगा है उस पर क्या आप एफिडेविट में आप भेजेंगे? सर, वो हम इसी को बताएंगे जी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।